और मैं आज तीन चार दिन से एक कांग्रेस वालों के बयान देख रहा हूं। मित्रों, ये लोगों के पास विजय का कोई सूत्र नहीं बचा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक कांग्रेस पार्टी, इसका स्तर दिन प्रतिदिन घिरता जा रहा है। क्या नारे लगा रहे हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये आप पार्टी वाले कहते हैं। मोदी तुम मर जाओ। अरे भाई, आपके कहने से क्या होता है? ऐसा कहने से ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि 130 करोड़ की जनता मोदी जी के लंबे आयुष्य के लिए प्रार्थना करे। और सुन लीजिए कांग्रेस वालों, राहुल गांधी जी ने जो सूचना दी हो आपको, सिद्धरमैया जी भी सुन ले, डीके शिव कुमार भी सुन ले, जितना कीचड़ मोदी जी पर उछालोगे, कमल इतना खिलकर बाहर आए। क्योंकि कमल का तो स्वभाव ही है कीचड़ के बीच में सुगंध फैलाने का। आप जितना भी गाली मोदी जी को बोलोगे, कभी भी आप सफल नहीं हो पाओगे। मुझे बताओ भाइयों, माताओं, बहनों, ऐसी मोदी जी के लिए अब शब्द उपयोग करने वाली कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मैं कहता हूं आप सभी को, इस संदेश को कल्याण कर्नाटक के घर घर तक पहुंचाइए, जो विकास की बात नहीं करते हैं। और समग्र दुनिया में भारत का यशोगान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री जी के लिए मरने की कामना करते हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में जगह नहीं देनी। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब सरदार पटेल को भी आदर के साथ प्रणाम करना चाहता हूं कि सरदार न होते तो हमारा पहले का नाम जो था हैदराबाद कर्नाटक, वो शायद आजाद ही न हुआ होता। सरदार पटेल थे जिन्होंने हैदराबाद पुलिस एक्शन कर निजाम को घुटने के बल गिराकर देश को आजाद करने का काम किया है। और मित्रों, हमने इसीलिए कर्नाटक के एक हिस्से का नाम, जब येदुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे, तब हैदराबाद कर्नाटक से बदलकर कल्याण कर्नाटक करने का काम किया। इस समग्र क्षेत्र का कल्याण करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। हमारी सरकार ने आर्टिकल 371J को रिलीजियसली पालन करने का काम किया है। हमारी सरकार ने पहले 3000 करोड़ रुपया दिया था स्पेशल पैकेज, और इस बजट में, जोर से ताली बजाना, इस बजट में बसवराज जी ने 5000 करोड़ रुपया देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं सिद्धरमैया जी ने, कि आपने क्या किया था? आपने केवल और केवल दिल्ली के एक परिवार के लिए ATM बनकर भ्रष्टाचार का पैसा दिल्ली पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। मुझे बताइए, राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर किसी भी पार्टी पर एक परिवार का कब्जा होना चाहिए क्या? जोर से बोलिए, होना चाहिए। JDS और कांग्रेस दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं, वो कभी कर्नाटक का कल्याण नहीं कर सकती। और मित्रों, ये JDS को तो जो 25-30 सीटें मिलती है ना, लेकर सीधा कांग्रेस की गोदी में बैठ जाते, आपका वोट वेस्ट जाता है, वेस्ट जाता है। हमने यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक और भारतीय जनता पार्टी की
राष्ट्रभक्तों की फौज है तो दूसरी ओर टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाली है कांग्रेस पार्टी। एक और हम यहां पर रानी अबक्का मतकारी नायक और कैंपे घोड़ा का सम्मान करने वाले लोग हैं तो दूसरी ओर पीएफआई के आतंकवादियों को समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी है। माताओं भाइयों बहनों मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया ठीक किया या नहीं किया? जरा जोर से बोलो ठीक किया या नहीं किया? मित्रों ये डबल इंजन सरकार जो डबल स्पीड से काम कर रही है उसको आप एक बार मौका दीजिए। मित्रों हमने इस क्षेत्र के लिए ढेर सारे निजलिंगप्पा थे, तब इंदिरा बहन थी, निजलिंगप्पा को समाप्त करने का काम इंदिरा बहन ने किया। वीरेंद्र पाटिल जी थे, बड़े कद्दावर नेता थे, उनको एयरपोर्ट पर अपमानित करने का काम नेताओं का, लोकप्रिय नेताओं का सम्मान किस प्रकार से किया जाता है। माताओं भाइयों बहनों मैं यहां आया हूं तब कहना चाहता हूं भारतीय जनता बताए बहने हैं जोर से ताली बजाना, 10 करोड़ घरों में शौचालय बनाकर माताओं बहनों को सम्मानित करने का काम किया, 13 करोड़ गैस के सिलेंडर दिए, 60 करोड़ लोगों को 2.5 साल से मुफ्त में अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। को कोरोना के हाथ ऊपर करिए तो सबको लग गए है ना, सबको लगे ना, 25 पैसा भी खर्च हुआ है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को 230 करोड़ वैक्सीन देकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और गरीब के घर में बीमारी आए तो 5 लाख तक का सारा इलाज गरीब का आज नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, और इसके साथ साथ हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज। और बसवराज जी और येदुरप्पा जी ने रागी भी जोड़ दी, ज्वार भी जोड़ दी, जो खाना वो खाइए कीमत नहीं देनी पड़ती है, 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र भाई ने देश को सुरक्षित 70 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को पूछना भाई, उनकी नजर उनकी वोट बैंक पर है, मालूम है ना कौन सी वोट बैंक है उनकी? अरे मालूम है या नहीं है? अरे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वोट सुरक्षा सबसे पहले है। मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया, और हटाए तब एक कांग्रेस वाले जेडीएस वाले भाषण करते थे रक्तपात हो जाएगा, खून की नदियां बहेगी। अरे छोड़ो रक्तपात, डीके शिव कुमार सिद्धरमैया बाबू रक्तपात छोड़ो, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है कंकर चलाने। ये नरेंद्र चाहिए, सालों से कांग्रेस वाले जहां श्री राम का जन्म हुआ था वो जगह पर राम मंदिर बनाने के मुद्दे को अटका रहे थे, लटका रहे थे, भटका रहे थे। एक दिन मोदी जी ने बड़े सवेरे राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और वहां भव्य राम मंदिर बना।